हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं, ये वीडियो है जिनकोनिया सप्लीमेंट के बारे में, यानी कि जिंक सप्लीमेंट के बारे में। सो अगर मैं इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट बता दूं तो फिर आप क्या करेंगे, केमिस्ट से जाएंगे और इसे परचेस करके यूज करना स्टार्ट कर देंगे। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब हम एक फैमिली मेंबर के जैसे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि जो मेरे फैमिली मेंबर है वो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट यूज कर लें जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये जिंक सप्लीमेंट आपके स्लीपिंग प्रॉब्लम को इम्प्रूव करता है, स्लीपिंग रिलेटेड सप्लीमेंट भी इसे आप बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसे एक महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी, आपको मसल गेन होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बट एक महीने के बाद क्या, जब आप इसे छोड़ेंगे तो फिर आपको फिर से आपकी वही स्टेज में चले जाएंगे। हो सकता है जो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नींद से रिलेटेड, आपको नींद कम आती है, तो बाद में आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको आदत लग जाएगी इस जिंक सप्लीमेंट की, जिनकोनिया सप्लीमेंट की। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप इसे एक महीने लेने के बाद एक महीने का गैप जरूर करें, एक महीने इसे छोड़ने के बाद फिर दोबारा आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आपको हमेशा साइकिल में ही लेना चाहिए। बी हेल्दी इंडिया का एक पार्ट बनने के लिए और हमारा फैमिली मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। जिंकोनिया टैबलेट और सिरप, ये दोनों फॉर्म में मिलता है। जिंकोनिया 10 टैबलेट की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो वो 40 रुपये होती है, और अगर आप एक 100 ml का सिरप लेते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है 72 रुपीज़। जिंकोनिया अगर 5 ml अगर आप लेते हैं सिरप एक टाइम पे तो उसमें आपको 20 mg तक जिंक मिलता है, और अगर आप एक टैबलेट लेते हैं जिंकोनिया का तो उसमें आपको 50 mg जिंक एलिमेंट मिलता है। तो आप फ्रेंड दिन में 50 mg से ज़्यादा जिंक आपको नहीं लेना है। अगर आप 50 mg से ज़्यादा जिंक लेते हैं तो इसमें आपको फ़ायदे की जगह बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो जो बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट्स पीपल हैं, तो उन लोग को इस सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज पीपल। जिंक एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जिंक आपकी बॉडी को हेल्दी ब्लड फ्लो सप्लाई करता है, साथ में आपको स्लीपिंग सप्लाई को भी इम्प्रूव करता है। आप जल अच्छे से सो पाते हैं, जब आप हैवी वर्कआउट करके घर पर आते हैं उसके बाद इसको लेने के बाद आपके मसल को फास्ट रिकवर करता है, और आपके बॉडी की कैलोरी जो बर्निंग एबिलिटी होती है उसे भी इम्प्रूव करता है। आप वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है, और ये इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, बिकॉज जब आप इसे लेंगे तो आपकी जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, 8-9 घंटे की नींद जब आप लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में, किस तरह से इसे आपको लेना चाहिए। जो भी नॉर्मल लोग हैं उस इसमें जो मेजरमेंट कैप दिया हुआ है उसके अनुसार इसको दिन में सिर्फ एक बार लेना है 5 ml। जब आप 5 ml लेंगे तो उसके अंदर आपको 20 mg जिंक सप्लीमेंट मिलेगा, जो आपके लिए इनफ है। जो भी लोग बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट्स पीपल हैं, वो 5 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, तो उन्हें दिन में 30 mg उन्हें जिंक मिल जाएगा, जो कि उनके लिए इनफ है। गाइस अगर आप इसे दिन में 50 ml से ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इसे 50 mg से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं दिन में तो उसके बाद आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक्स हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। सो अब लास्ट जो इसका बेनिफिट मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। आप जो भी कैल्शियम बाहर से ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम का, उसको उसके एब्जॉर्प्शन को ये इम्प्रूव कर देगा, जिससे आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में आपकी ये बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को भी इम्प्रूव करता है। जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, फूड से ले रहे हैं या फिर सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो प्रोटीन कितना बॉडी आपके बॉडी के अंदर आपके मसल में कितना कन्वर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, उसके सिंथेसिस को ये बढ़ाता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।